बोलो जय राधे श्याम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत क्यों और कैसे करते हैं इसकी कथा इस प्रकार है। भादव कृष्णाष्टमी को जन्माष्टमी कहते हैं। इसी दिन मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। इस तिथि को रात्रि में यदि रोहिणी नक्षत्र हो तो कृष्ण जयंती होती है। रोहिणी नक्षत्र के अभाव में केवल जन्माष्टमी व्रत का ही योग होता है। इस दिन मंदिरों में अपूर्व सजावट होती है। भगवान का श्रृंगार किया जाता है और हिंडोला सजाया जाता है। रात्रि के 12 बजे तक व्रत रखकर भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जगह जगह भजन कीर्तन होता है। इस दिन श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 स्कंध में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण मनन का विशेष महात्म्य है। रात्रि के 12 बजे भगवान की आरती होती है और प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद ग्रहण करके ही सब लोग व्रत पूरा करते हैं। इस रात्रि में जागरण भी किया जाता है। श्री कृष्ण जी के संबंध में जो कथा लोक प्रसिद्ध है वह इस प्रकार है। सत्ययुग में केदार नामक एक बड़ा प्रतापी और तेजस्वी राजा हो गया है। उसके वृंदा नाम की एक कन्या थी जिसने जीवन भर कुंवारी रहकर यमुना के पवित्र घाट पर कठिन तपस्या करनी आरंभ की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और बोले, वर मांग। वृंदा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरा पति होना स्वीकार करें। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे अपने साथ ले गए। जिस वन में राजकुमारी ने तपस्या की थी वह वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यमुना के दक्षिण तट पर मधु नाम के दैत्य ने एक नगर बसाया जिसका नाम मधुपुरी पड़ा। इसे ही आजकल मथुरा कहते हैं। द्वापर युग के अंत में मथुरा में भोजवंशीय राजा उग्रसेन राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं राजा बन बैठा। उसकी बहन देवकी का विवाह यादव वंशी सरदार वसुदेव के साथ हुआ था। एक दिन जब कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल में पहुंचाने ले जा रहा था तब अचानक मार्ग में यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक तुझे मौत के घाट उतारेगा। आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोध में भर गया। उसने देवकी को ससुराल में पहुंचाकर वसुदेव को मारने के लिए म्यान से तलवार निकाल ली। उस समय देवकी ने विनम्र भाव से प्रार्थना की और कंस से कहा कि मेरे गर्भ से जो भी संतान उत्पन्न होगी उसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी, फिर उसके साथ चाहे जैसा बर्ताव करना। इसके लिए बहनोई का वध करना उचित नहीं। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा लौट आया। उसने वसुदेव और देवकी को कैद खाने में डाल दिया। जब देवकी के गर्भ से पहला बालक जन्मा और उसे कंस के सामने लाया गया तो उसने 8वें गर्भ की बात विचार कर इस बालक को छोड़ दिया। उसी समय नारद जी आ पहुंचे और उन्होंने कंस को समझाया कि तुम भारी भूल कर रहे हो, क्या मालूम तुम्हारा नाश करने वाला 8वां गर्भ यही हो, इसलिए शत्रु का बीज तुरंत ही नष्ट कर देना चाहिए, ऐसा ना हो कि वह बड़ा होकर बलवान हो जाए। नारद जी की बात कंस की समझ में आ गई और उसने उस बालक को मार डाला। इस प्रकार देवकी के गर्भ से जितने भी बालक उत्पन्न हुए उन सबको कंस मरवाता गया। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के पश्चात जब 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई तो उसने वसुदेव और देवकी को एक विशेष कारागार में डाल दिया और पहरा भी लगा दिया गया। भादव मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। पृथ्वी तल पर सब सोए थे, घोर अंधकार छाया हुआ था और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। वसुदेव देवकी की कोठरी में अचानक एक बड़ा भारी प्रकाश हुआ। दोनों ने देखा कि शंख, चक्र, गदा,
पद्मधारी चतुर्भुज भगवान उनके सामने खड़े हैं। प्रभु की ऐसी कृपा देख वसुदेव देवकी उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं बालक का रूप ग्रहण कर लेता हूँ, तुम इसी समय मुझे वृंदावन में अपने मित्र नंद जी के यहाँ पहुँचा दो और उनके यहाँ जो कन्या पैदा हुई है उसे लाकर कंस को सौंप दो। यद्यपि इस समय प्रकृति ने बड़ा भयानक रूप धारण कर रखा है, फिर भी तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। मेरी माया से सब पहरेदार सो गए हैं और कारागार के फाटक भी अपने आप खुल गए हैं। मार्ग में पड़ने वाली यमुना नदी भी तुम्हें मार्ग दे देगी। वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर उसी समय कारागार से निकल पड़े और यमुना नदी को पार करके अपने मित्र नंद के यहाँ जा पहुंचे। मित्र ने भी मित्र का कर्तव्य निभाया। नंद जी ने श्री कृष्ण को ले लिया और अपनी पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई पुत्री चंडिका को वसुदेव के रूप में रख दिया। उसे लेकर वसुदेव तुरंत मथुरा लौटकर अपनी कोठरी में दाखिल हो गए। कारागार के सब किवाड़ पहले की तरह बंद हो गए और उनमें ताले भी पड़ गए। पहरेदार भी मोह निद्रा से जागकर पहरा देने लगे। प्रातःकाल कंस ने यह समाचार पाकर कि मेरी बहन के गर्भ से इस बार कन्या उत्पन्न हुई है, तुरंत कन्या को मंगाकर एक धोबी को उसे पत्थर पर पटक कर मार डालने की आज्ञा दी। धोबी जो ही उसके पैर पकड़कर उसे पछाड़ने लगा, क्यों ही वह धोबी के दोनों हाथ लेकर आकाश में उड़ गई। आकाश में जाते समय उसने कहा कि मुझे मारने से कोई लाभ नहीं, कंस का शत्रु तो वृंदावन में सुरक्षित है। यह कौतुक देखकर कंस चकित रह गया। कंस अपने शत्रु को जीवित जानकर बहुत चिंतित और भयभीत हुआ। वह उसे मारने के लिए विविध उपाय करने लगा। उसने उनका वध करने के लिए समय समय पर अनेक दैत्यों और दानवों को भेजा। उन सब ने अपनी आसुरी माया का विस्तार करके श्री कृष्ण को मारना चाहा, किंतु वे स्वयं श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। श्री कृष्ण ने अपना बचपन सकुशल गोकुल में रहकर आनंदोल्लास पूर्वक बिताया। बड़े होने पर श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस को मारा और अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कैद से छुड़ाया। भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों का संहार और भक्तों की रक्षा करने हेतु अवतार धारण किया था। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी पुण्य स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय श्री राधे कृष्ण।